बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान मोरा बांग्लादेश पहुंच गया है। इस तूफान का असर पूर्व उत्तर के कई भारतीय राज्यों पर भी पड़ सकता है। इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में आया मोरा नाम का चक्रवाती तूफान खतरनाक रूप ले सकता है। इसके कारण बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। मोरा बंगाल की खाड़ी में बनकर बहुत जल्दी इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म में रूपांतरित हो गया, लेकिन अभी इसका दिशा बिल्कुल उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा में है। इस तूफान के दौरान मछुआरों और बाकी लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। बंगाल पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में ज्यादा खतरे का कोई अभी संकेत नहीं है, लेकिन मछुआरा जो लोग बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने जाते हैं, इनके लिए हम लोग चेतावनी दिए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मोरा तूफान उत्तर पूर्व की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा है, जहां से ये पूर्वी मध्य बंगाल की ओर मुड़ गया है। ये चक्रवाती तूफान कोलकाता के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्से से 750 किलोमीटर व चिट्टागोंग के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से 660 किलोमीटर की दूरी पर है। जो खतरा होगा पर्टिकुलरली बांग्लादेश एंड हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर में इसका कुछ खतरा ज्यादा दिखाई जाएगा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसके कारण भारी बारिश होगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ इस तूफान के दौरान तेज हवा भी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।